कि एक माँ और पुत्र का रिश्ता कितना पवित्र होता है, भाई बहन का कितना रिश्ता पवित्र होता है, ये कहानी शर्मसार कर देने वाली है। इस कहानी को आप सुनेंगे तो आप भी इसमें सोच करेंगे कि ऐसा क्या है संसार में, क्या नहीं सब कुछ है, लेकिन माँ और बेटे का रिश्ता चाहे सौतेली माँ हो चाहे खास की माँ हो बड़ा पवित्र होता है। एक महिला होती है जिसका पेट सामान्य से बड़ा होता है। एक दिन उसका लड़का पूछता है, माँ तुम्हारा ये पेट इतना क्यों बढ़ रहा है? तो वो माँ कहने लगती है, बेटा इसमें एक बालक पल रहा है। पूछा किसका है? तो माँ कहने लगी, वो तुम्हारा ही तो है, मैंने तुमसे ही पैदा किया है, वो तुम्हारा ही बालक पेट में पल रहा है। एक बात बताइए, जो माँ अपने ही बच्चे से इष्ट करे, अपने बच्चे से संभोग करने के बाद गर्भ धारण करे, बच्चे को पैदा करे, शर्मसार कर देने वाली बात है। चाहे कितना भी क्रूर हो, माँ बहन भाई का एक ऐसा रिश्ता है, चाहे देश हो चाहे विदेश हो कोई हो, यहाँ पर ही रिश्ते बड़े पवित्र होते हैं, लेकिन ऐसे ही घटिया किस्म के लोग इन रिश्तों को बर्बाद कर देते हैं। उसने अपने बच्चे को ही नहीं बताया, लेकिन इंस्टाग्राम के द्वारा उसने करोड़ों लोगों को नेट के द्वारा बता दिया कि मैं अपने बच्चे की ही माँ बनने वाली हूँ। दोस्तों ये कहानी बड़ा ही शर्मसार कर देने वाली है। एक माँ अपने बच्चे से इश्क करे और बच्चे से संभोग करने के बाद और इतना बड़ा गलत काम करने के बाद वो भी नेट के द्वारा दुनिया में बता दे। आइए जानकारी पूरी देने से पहले आपसे हम निवेदन करना चाहते हैं, अगर हमारे चैनल पर नए हो न्यूज कहानी पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कहानी पूरी अवश्य सुनें। ये कहानी है रूस की। रूस का एक शहर लगता है कैस्नोडिस्की। ये रूस की एक मरीना औरत होती है। ये इतनी मोटी होती है कि इससे सब लोग दुनिया के नफरत करते हैं। 1 से 60 किलो वजन की होती है, लेकिन एक शख्स होता है इसकी न कभी बुराई करता है और उससे मोहब्बत करना चाहता है। क्रास्नोडस्की शहर की जो मरीना नाम की स्त्री थी वो एक दिन उसके पास पहुंच गया। उससे जाकर के कहने लगा, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जिसका नाम एलेक्स होता है तो कोई शादी करने को तैयार नहीं होता, तो वो तैयार हो गया। अच्छी बात है, किसी के दिल में किसी के प्रति तो भावना हुई है। शादी के लिए दोनों तरफ से मंजूरी हो जाती है, लेकिन शादी होने से पहले उसने एक बात बता दी एलेक्स ने मरीना को कि मेरी शादी पहले हो चुकी है, बीवी मुझे छोड़ के चली गई है, मेरे 2 बेटे हैं, आपकी राय क्या है? तो मरीना कहने लगी, इसमें कुछ नहीं है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। धूमधाम से हंसी खुशी से शादी हो जाती है दोनों की। उसे घर पे मरीना को लेकर के आता है एलेक्स और उसके 2 बेटे, एक बड़ा बेटा 7 साल का होता है, 1 साढ़े 3 साल का होता है। मरीना ने दोनों बच्चों को बड़ी अच्छी तरीका से परवरिश की और पाल पोस की बड़ा करने लगे, लेकिन मोटापा होने के कारण एलेक्स ने कहा, हम भी अपना कारोबार करेंगे और तुम भी अपना मोटापा कम करो, घर का कामकाज करो। तो उस महिला ने कुछ काम करने के बाद इतनी मेहनत की कि अपना वेट कम कर दिया 1 क्विंटल, केवल 60 किलो वेट रह गया और खूबसूरती दिखने लगी। फोटो में इतनी सुंदर दिखने लगी कि लोग उसे बड़ा पसंद करने लगे। पहले के फोटो अब के फोटो में बहुत बड़ा अंतर रहा, लेकिन धीरे धीरे सिलसिला चलता रहा। लगभग 10 साल गुजरने, 2008 की बात है, लगभग 10-11 साल और गुजर गए। जो छोटा लड़का था वो 3.5 साल का, वो भी बड़ा होने लगा, और जो बड़ा बेटा था जिसकी उम्र लगभग 7 साल थी उसका नाम था बिलादवीर, और छोटा बेटा था उसका नाम था विक्टर। तो जब वो 17-18 साल का लड़का हुआ, बहुत सुंदर था, तो उसकी नज़र अपने पति को छोड़ करके अपने उस बच्चे पर गढ़ने लगी जिसका नाम था बिलादवीर, और उस बच्चे से पोटा फुसला करके उसने चंगुल में फंसा करके और उससे सेक्स करने में माहिर रही। रोजाना संबंध करती, इधर पति से रोजाना लड़ाई झगड़ा होने लगा, पति से यहाँ तक लड़ाई झगड़ा होने लगा कि एक दूसरे के संपर्क में
बरसे से गुजर गई, लेकिन अपने उसी बेटे विलास वीर से वो गर्भवती हो गई। एक दिन उसके पति एलेक्स ने पूछ लिया, ये सब क्या है, ये गर्भ कहाँ से, मेरी और तुम्हारी बोला चाली नहीं है, बहुत दिन संपर्क में नहीं रहे। तब उसने वो जाहिर सी बात पूरी बता दी कि मेरे घर में जो बच्चा पल रहा है मेरे ही बेटे विलास वीर का है और मैं उसी को पसंद करती हूँ। दोस्तों कितनी शर्मसार कर देने वाली बात है। अब उसने सोचा एलेक्स ने, अब हमें यहाँ रह करके क्या करेंगे, तो अपने छोटे बेटे विक्टर को लेकर के और वो घर छोड़ करके दूसरी जगह चला गया और अपने छोटे बेटे के साथ रहने लगा। इधर वो गर्भवती थी, जो घर में बालक पल रहा था विलास वीर का, समय के अनुसार उसकी परवरिश करने के लिए वो बड़ा बेटा पिता के साथ नहीं गया, क्योंकि पत्नी तो उसे ही मानने लगा था। समय आने पर उसने एक बेटे को जन्म दिया। मरीना जो थी अपने सौतेले बेटे को पसंद किया करती थी और उसी से उसने शादी कर ली। दोस्तों इस कहानी का हमारा रहस्य यह है, इस कहानी का रहस्य यह है कि विदेशों में जो काम हो रहा है, विदेशों में न कोई किसी का भाई है, न कोई किसी की बहन है, न कोई किसी का पिता है, न कोई किसी की पत्नी है, जहाँ जिसका संबंध बना वहाँ वैसा काम करने लगते हैं। हमारा भारत वर्ष हमेशा पवित्र रहा है और इस भारत को भारत माता विदेशियों ने कहकर पुकारा है, यही भारत है जहाँ पर ऐसी दशा हो रही है। तो हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं किसी का दिल दुखाना हो, किसी को ठेस पहुँचाना हो, केवल आप लोगों को जागरूक करना मेरा मतलब है। मेरा मकसद यहीं तक है कि एक माँ और पुत्र का रिश्ता कितना पवित्र होता है, भाई बहन का कितना रिश्ता पवित्र होता है। ये कहानी शर्मसार कर देने वाली है। इस कहानी को आप सुनेंगे तो आप भी इसमें सोच करेंगे कि ऐसा क्या है, संसार में क्या नहीं सब कुछ है, लेकिन माँ और बेटे का रिश्ता, चाहे सौतेली माँ हो चाहे खास की माँ हो। तो साथियों मैंने जो कहानी बताई है ये अपने यहाँ की नहीं, रूस की कहानी है। अगर इंटरनेट के द्वारा मरीना की कहानी आप डाल के देखेंगे तो आपको पूरा पता चल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए।